ये सारे एशिया के फ्लैग हैं। इसमें बताइए कि ये वाला किसका है? अफगानिस्तान। ये कौन से देश का है? इंडिया। ये कौन से देश का है? पाकिस्तान। ये कौन से देश का है? उज़्बेकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंजलि। दरअसल आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो देखने में बहुत मासूम और बहुत प्यारी है, लेकिन अगर उनके दिमाग की बात की जाए तो उनका दिमाग आपको चौंका देगा। जी हाँ, एक सवाल नहीं बल्कि सैकड़ों सवालों के जवाब उन्हें पता है। अगर हम उनके बारे में बात करें तो मैं बताना चाहूंगी कि देश की भौगोलिक मानचित्र यानी कि ज्योग्राफिकल मैप के अलावा भी उन्हें ऐसी बहुत सारी चीजें पता हैं जो अपने आप में चौंकाने वाली हैं। चलिए, वक्त जाया किए बिना मैं मिलवाना चाहूंगी आपको। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विभूति। विभूति, आप इतनी प्यारी सी हो, इतनी छोटी सी हो, आपको इतनी सारी चीजें पता हैं, आप क्या इसके लिए पढ़ाई करती हो? हाँ। इतनी सारी पढ़ाई करती हो? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कितनी कितनी सारी चीजें आती है? ये बुआ, आपकी बुआ साथ में आई है? हाँ। ये बुआ ने मुझे आपकी पूरी लिस्ट दी है, मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनके हिसाब से आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा ज्ञान आपके पास है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि विभूति की उम्र 3 साल कुछ महीने हैं, और इतनी छोटी उम्र में जब बच्चा किताबों की पोयम को पूरी तरह से याद कर पाने में पूरी तरह से समर्थ नहीं होता, ऐसे में विभूति को ढेर सारी चीजें याद हैं, वो चीजें जिनके बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपको विभूति से रूबरू कराना चाहूंगी, विभूति से मिलवाना चाहूंगी। अच्छा विभूति, अभी बैठे बैठे आप क्या कर रहे हो यहाँ? पढ़ाई? हाँ। यहाँ पे भी पढ़ाई, मतलब जिस उम्र में बच्चों के पास खिलौने होने चाहिए उस उम्र में विभूति के पास आपको मिलने वाला है वर्ल्ड फ्लैग। इसी के साथ मैं आपको किताबें दिखाना चाहूंगी। ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस, जो कि बच्चे नॉर्मली 10th क्लास या 11th क्लास में पढ़ते हैं, वो 3 साल के बच्चे के पास अगर आपको दिखाई देगी तो आप क्या सोचेंगे? मैं जानती हूँ, जब मैं विभूति से मिली थी तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था, और आपको भी इस समय वैसा ही महसूस हो रहा होगा। लेकिन ये सही है कि विभूति को इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी चीजों का ज्ञान है। चलिए सबसे पहले विभूति से ही जान लेते हैं। विभूति, आप ये किताब पढ़ती हो? हाँ। पढ़ाई करती हो आप रेगुलर? तो चलिए, हाँ। बताओ कि इस पे इतने सारे फ्लैग बने हुए हैं, ठीक है? हाँ। बताओ ये कौन कौन सी कंट्री के फ्लैग है? कनाडा की। कौन सा है कनाडा का? कनाडा का फ्लैग। अच्छा, पेन ले लीजिए और पेन से बताइए डॉट करके ये कौन सा कनाडा का है। कनाडा की है। कौन सा वाला है ये? फ्लावर। अच्छा, फ्लावर वाला कनाडा का है, ये वाला कौन सा है? ये है ब्लैक रेड येलो। ये किसका है? सामनी। और ये वाला? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का। ये वाला कौन से देश का है? ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का है ये? यूएसए। अच्छा, और ये वाला कौन से का है? थैंक्स। मतलब मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी इस किताब के बारे में कि इस पर जो देश के फ्लैग इस वक्त छपे हुए हैं, और इन फ्लैग को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन से देश का फ्लैग होगा। इतने सारे फ्लैग में आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 3 साल की उम्र में विभूति सारी चीजों को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाती है। विभूति को अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन विभूति को अच्छे से उन चीजों की जरूर नॉलेज है। चलिए विभूति, यहाँ पर इतने सारे फ्लैग बने हुए हैं, आप इन सारे फ्लैग में भी बता सकती हैं कि कौन से देश का है? कनाडा की। कहाँ पर? अच्छा, ये बताइए, ये सारे एशिया के फ्लैग हैं, इसमें बताइए कि ये वाला किसका है? अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान का है। अच्छा, और ये कौन से देश का है? इंडिया। अच्छा, ये इंडिया का है। ये कौन से देश का है? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का है। ये कौन से देश का है? उज़्बेकिस्तान। अरे बाप रे। अच्छा ये बताओ, ये इतना सब कुछ किसने याद कराया? इतने याद कराए? इतने सारे फ्लैग में तुम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेती हो हर चीज को, कैसे याद रहता है इतना सब कुछ? इतना सब कुछ में अच्छी लगती बहुत तेज से। उनकी बातों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इतने छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान होना अपने आप पे वाकई आश्चर्यचकित कर देने वाला है। तो ये तो थी फ्लैग की बात, है ना? अच्छा, बुआ जी ने इतनी सारी लिस्ट दी है आपकी बना के, और उसमें ढेर सारी चीजें लिखी हुई हैं। इन्हीं में से एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। अच्छा बताइए कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, सब कुछ बता दिया।
अरे बाप रे, मतलब इस वक्त जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं पक्का शायद के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों की जीके जरूर इम्प्रूव होने वाली है। चलिए विभूति, आप बताइए कि भारत की जितने भी राज्य हैं सबकी राजधानी आपको पता है, तमिलनाडु की कैपिटल बताइए। अच्छा चेन्नई। अच्छा, इसी के साथ मध्य प्रदेश की भोपाल, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, नहीं नहीं दिल्ली है शायद, नहीं है, तो दिल्ली कहाँ की है? लखनऊ। दिल्ली कहाँ की है? लखनऊ नहीं है, इंडिया, दिल्ली इंडिया। अच्छा, और पाकिस्तान की कौन सी कैपिटल है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की है। चाइना की? बीजिंग। बीजिंग। हाँ। और म्यांमार की? नेपिताओ। अच्छा, अफगानिस्तान की? काबुल। इतने सारे सवालों का इतनी आसानी से जवाब देते हुए आपको जरूर हैरानी इस वक्त हो रही होगी कि इतनी छोटी उम्र में, जब बच्चों की खेलने की उम्र होती है, जब बच्चे अपने खिलौने से खेलते हैं, ऐसी उम्र में किसी बच्चे को अगर आप 10th 12th के स्टैंडर्ड की बुक के साथ खेलते हुए देखेंगे तो वाकई अपने आप में ये चौंकाने वाली चीज होगी। लेकिन विभूति को ये गॉड गिफ्टेड है, विभूति के पास इतने सारे सवालों के जवाब हैं, वो इतनी कम उम्र में, जबकि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती, उनके शब्द ठीक से क्लियर नहीं होते, उसके बावजूद भी वो चीज़ों को देखकर सुनकर उन्हें याद रखती हैं और उनकी पहचान कर पाती हैं। अच्छा विभूति, आप एक बात बताइए, आप बड़े हो के क्या बनना चाहती? कपड़ा बन के सुंदर बन जाती हूँ। कपड़ा बन के सुंदर बनना आपको? मैंने सुना था आपकी बुआ बता रही थी कि आपको बच्चन साहब से मिलना है। नहीं मिलना आपको बच्चन साहब से? बुआ ने बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको बच्चन साहब से मिलने। नहीं मिलेंगे। हाँ। अच्छा ठीक है, चले केबीसी में नहीं जाना है? हाँ। क्या? केबीसी में नहीं जाना। ठीक है नहीं तो बच्चन साहब से मिलने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया अब आपका। हाँ। चले, ये भी पढ़ाई की आपने, इसमें पढ़ी आपने वाली बुक? हाँ। पूरी पढ़ी आपने? क्या क्या पढ़ा इस बुक में? इस पला में बुक में मिजोरम पढ़ा। मिजोरम पढ़ा? अच्छा, और नागालैंड। अच्छा, ये क्या है? ये मैप। किसका मैप है? देश का मैप। किसके देश का? विभूति के देश का मैप। हाँ। चलो अच्छा बताओ, इसमें हाथ रख के बताओ कि ये वाला स्टेट कौन सा है? ये है गुजरात। ये राजस्थान। ये वाला महाराष्ट्र। ये वाला? ये है कर्नाटक। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि विभूति को अक्षर ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ चीजों को देखकर उन्हें पहचान सकती है, उन्हें सुनकर याद रखती है। विभूति को पढ़ना नहीं आता, अगर आप उन्हें कुछ पढ़ने के लिए बोलेंगे तो शायद वो नहीं पढ़ पाएंगी, लेकिन अगर आप उन्हें कोई मैप दिखाएंगे या फिर कोई और चीज तो वो उसे देखकर पहचानने की उनके अंदर शक्ति है। क्यों विभूति, ये सारी चीजें आप देख के पहचान लेती हो? हाँ। आपको लिखना नहीं आता? आपको नाम लिखना आता है अपना? आपको लिखना आता है? आपको लिखना भी आता है? क्या क्या लिखना आता है? अच्छा, आपको स्वीडन और फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस। अच्छा, हंगरी। चलिए, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज दी हुई हैं विभूति। चाइना की कैपिटल क्या थी? बीजिंग। अच्छा, उसके साथ कजाकिस्तान की क्या थी? अस्ताना थी। अच्छा, ईरान की? तहरान। और इंडिया की तो आपने बता दी थी, है ना? सऊदी अरब की बताओ। चलो, सऊदी अरब की क्या कैपिटल? रियाद। आपके पास सवाल कम पड़ सकते हैं, लेकिन विभूति के पास जवाबों की कमी नहीं होगी। आप कुछ भी पूछिए, आप चाहे उनसे ज्योग्राफी की बात करिए या फिर बाकी चीजों के बारे में बात करिए, उसका आंसर विभूति के पास जरूर होगा। इतनी लंबी लिस्ट उनकी तैयार करके दी गई है मुझे, और जब मैंने लिस्ट देखी तो मैं अपने आप में आश्चर्यचकित थी कि इतनी छोटी सी उम्र में, जब बच्चों को नाम याद रख पाने में बहुत मुश्किल होती है, इतनी छोटी सी उम्र में कोई इतनी सारी चीजें भला कैसे याद रख सकता है। और क्या क्या आता है? अच्छा, आपको बताइए, राष्ट्रगान आता है आपको, और हनुमान चालीसा भी आती है आपको? नहीं आती। कुंज बिहारी की। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि विभूति को दोहे भी आते हैं। दोना पाठ सुना दो। दोना पाठ बबूल का, पली पली तनी कपिसा। थोड़ा थोड़ा तेज बोलिए। राशा सी कने अगे छोटे महीना था। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और मूडी भी,
दोनों ही चीजों का अंदाजा आपको विभूति को देख के लग गया होगा कि वो मूढ़ी भी हैं और प्यारी सी भी। उनके मूड में आता है तो वो सारे सवालों के जवाब वो दे देती हैं, और अगर मूड नहीं होता तो विभूति फिर किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। विभूति अच्छा एक बात बताओ मुझे, इतनी सारी यहाँ पे लिखी हुई है पोयम कि विभूति को इतनी सारी पोयम याद है, ठीक है कोई अच्छी सी पोयम सुनाओ। हाँ, टमाटर बड़ा मजेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी माल भगाया। हाँ, टमाटर बड़ा मजेदार, एक दिन इसको सिटी ने खाया, हाथी को भी माल भगाया। हाँ, टमाटर बड़ा मजेदार, एक दिन इसको पत्तू ने खाया, मोटू को भी माल भगाया। अरे बहुत बहुत अच्छी बहुत अच्छी। ये 10th स्टैंडर्ड की बुक और इसके आंसर करने वाली है 3 साल की विदुषी विभूति। हाँ। है ना, या विदुषी नहीं विभूति नहीं नहीं विभूति। हाँ। या विदुषी नहीं। अच्छा चलिए आंसर करिए आप पहले ये बताइए ये कौन सी कंट्री का मैप है? नीदरलैंड। मैप है ना, ये फ्लैग है क्या? हाँ। है नीदरलैंड। क्या है ये? नीदरलैंड। अच्छा ये बेल्जियम। और ये? ये लक्समबर्ग। और ये? जर्मनी। जर्मनी जर्मनी। और वो उधर? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। आपको इतने सारे नाम याद रह जाते हैं, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड। अच्छा एक बार बताओ, 7 वंडर्स के बारे में पता है आपको? हाँ वंडर पता। बताओ कौन कौन से हैं? ताजमहल, क्रिस्टली दिमाग। और ये? ये हाँ। ये क्या है? तो पिरामिड ऑब्सेशन। अच्छा चलो विभूति एक बात बताओ, आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? अच्छी अच्छी चीज तो बड़ा लगती है। क्या अच्छी लगती है आपको? बड़ा बड़ा। हाँ बड़ा। बड़ी चीजें आपको अच्छी लगती हैं? जैसे? ऐसे बहुत ढेर सारा बहुत टेस्ट पानी निकल गई तो बहुत सारा पानी निकल। और अच्छा खाने में क्या क्या अच्छा लगता है बताओ? खाने में रोटी सब्जी सर पूरी खाई। और है दाल चावल। तो आपको दाल चावल बहुत अच्छा लगता है? मम्मी अच्छा बनाती है पापा अच्छा बनाते हैं? नहीं मम्मी बनाते हैं मम्मी। ये आपको ये पढ़ाई वाला शौक कहाँ से लगा, किसने सिखाया आपको किताब? वंडर पढ़ाया। अच्छा वंडर पढ़ाया। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मतलब कैसा ये शौक इसके अंदर डेवलप हुआ, इतनी पढ़ाई इतनी छोटी इसी उम्र में इतनी सारी पढ़ाई और ये डिफरेंट डिफरेंट बुक्स इसके पास हैं, ये सब कैसे लगा? डायरी रूम में मैप टंगा हुआ था, थी उसके सामने जाके मतलब खड़ी रहती थी, कहीं से भी आएगी वहाँ उसके सामने खड़ी हो जाएगी और ऐसे देखने लगती थी जैसे इसको सब कुछ पता है, ये जानती है हर चीज के बारे में। हम लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि ये मैप भी टंगा हुआ है, लेकिन ये जाके उसके सामने खड़ी हो जाती है कि हाँ ये चीज है, तो थोड़ा बहुत उसको बताया कि ये चीज है, दोबारा वो हमें ही ले जाके दिखाने लगी कि ये है। अच्छा थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा। अच्छा मैंने सुना है कि वो जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सुंदरकांड का पाठ वो करती थी, तो ये सब कैसे हुआ? ये बोलती थी तो हम लोग को समझ में ही नहीं आता था कि ये बोल क्या रही है, फिर इसकी आवाज जब थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई तो पता चला कि ये सुंदरकांड की लाइनें बोलती है, फिर हम लोग को भी पता चला कि इसको सुंदरकांड याद है पहले से। माँ मुझको बंदूक दिला दो, मैं भी इसी माँ पास आऊंगा, मैं भी करूंगा देश की सेवा, अपना फर्ज निभाऊंगा। ये सारे एशिया के फ्लैग हैं। इसमें बताइए कि ये वाला किसका है? अफगानिस्तान। ये कौन से देश का है? इंडिया। ये कौन से देश का है? पाकिस्तान। ये कौन से देश का है? उज़्बेकिस्तान। जब बोलना शुरू किया तो बहुत अचंभे में रहा होगा पूरा परिवार की उस टाइम पे, क्लियर ही नहीं था कि बोल क्या रही है, हम लोग सोचते थे अकेली क्या बड़बड़ाती रहती है, क्योंकि वर्ड क्लियर नहीं थे कि कहना क्या चाह रही है, हमेशा अकेले में गुनगुनाती रहती थी, रिदम पे गाती है, तो फिर जब थोड़ा सा वर्ड क्लियर हुए जब 2.5 साल की हुई तब इसके वर्ड क्लियर हुए, फिर हम लोग को भी पता चला। मैं अगर विभूति के बारे में जानना चाहूँ, विभूति बहुत मूडी मुझे कभी कभी लगती है, जैसे कि अभी सवालों का जवाब देने का जब उनका मन करता है वो तभी सारे दे देगी। हाँ तभी वो आंसर करती है, जब मन नहीं होता तो वो नहीं, तब वो कुछ नहीं कर सकती। उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही अच्छा है, अगर वो एक चीज पे कंसंट्रेट हो जाती है, अगर उसका मन है कि वो फ्लैग पढ़ेगी
तो वो फ्लैग ही पढ़ती है, अदरवाइज आप कुछ भी साइड से करते रहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो मैप पढ़ रही है तो वो मैप ही पढ़ेगी, आप बीच में इससे कुछ नहीं करवा सकते। तो मतलब पूरे परिवार के लिए ये कचंभे की बात होगी उस टाइम पे, जब क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी चीजें किसी बच्चे के अंदर बहुत बहुत मुश्किल देखने को मिलता है। अभी तो इसकी एज भी बहुत कम है, 6 साल से भी हुई है। खेलना कूदना क्या मतलब, कैसे बच्चों में खेल कूद नॉर्मली कैसा रूटीन है उसका, क्या वो अपने नॉर्मली तो इसके पास बहुत सारी बुक्स हैं लेके बैठ जाती है, तो सारी बिना फिनिश करवाए हटती है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ाने से भी भागते हैं। अच्छा, कोई पढ़ाने नहीं बैठना चाहता क्योंकि 38 बुक्स है इसके पास, और ये 38 पूरी पढ़वाएगी A to Z, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ा करती जाएंगी, पूरा पूछेगी तो बताओ। इसके जो हम उम्र बच्चे होते होंगे उनसे तो मतलब किस तरीके से अलग है, अगर मैं विभूति की बात करूं तो नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं उनका खेल कूद में ज्यादा दिमाग होता है, खिलौने उन्हें चाहिए होते हैं। लेकिन मैं पहली बार मैं खुद आश्चर्य में थी कि जब इतनी छोटी बच्ची के पास मैंने 10th स्टैंडर्ड की 11th स्टैंडर्ड की बुक देखी, उसके बाद अपने आप में चौंकाने वाली ये चीज़ है। कहीं ना कहीं जाती है तो वहाँ पे जो बुक्स काउंटर है ये वहीं भागती है। अच्छा, ये कहीं भी जाएगी इसको बुक्स की तलाश रहती है कि बुक्स कहाँ पर है। भी गई थी वहाँ पे तो इसको बुक्स काउंटर कहाँ है, जल्दी बुक्स के लिए ले चलो, और वो छोटे बच्चों की लेवल की बुक्स होती है तो छोटे बच्चों का है। अच्छा, ये नहीं लेना है, मेरी नहीं है ये तो छोटे बच्चों की है। इस तरीके से अपने लेवल की बुक खोजने लगती है। अपना लेवल मतलब 10th 12th इसका अपना लेवल है। आपको कैसी बुक पसंद है? आपकी अच्छी बुक है, बड़ी बड़ी किताबें किताबें छोटे बच्चों की बुक दिखाई है। अच्छा, आप बड़ी हो गई हो। सही कहा, बड़ी चीजें पसंद है, मतलब जहाँ 1st, 2nd, 3rd की किताबें भी कहाँ 3 साल का बच्चा पढ़ पाता है, उनको 11th, 12th स्टैंडर्ड की बुक्स अच्छी लगती होती है। बुक्स जो होती है या ABCD की कोई भी इस टाइप की बुक्स होती है, LKG UKG की ग्रुप की बुक्स होती है, उसको तो डाइट कर देती है, ये नहीं पढ़ना है। अच्छा, विभूति को तो सब आता है, तो विभूति को सब आता है। अच्छा, मैं अगर मैं लेवल की बात करूं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने बातचीत की थी तो मुझे पता चला था कि विभूति को अक्षर ज्ञान नहीं है, विभूति लिख नहीं सकती अभी, इतनी छोटी उम्र है। हाँ, वही तो इतना कुछ मतलब ABCD जो बच्चा सीख रहा है वो मैप देख के बता सकता है कि जर्मनी का मैप है, थाईलैंड का मैप है, न्यूजीलैंड का मैप है, अफ्रीका का मैप है। इसका इंटरेस्ट ज्यादा है थोड़ा सा, तो इस फील्ड में इसकी नॉलेज अच्छी है। अच्छा, आप विभूति आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे? आप बोले कि टोपी लगा दी। पहले ही जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था तभी मैंने कहा था कि दर्शकों को एक चौंकाने वाली चीज उस वक्त देखने को मिलेगी, एक प्यारी सी, वो शक्ल से बहुत मासूम दिखती हैं, लेकिन अगर आप उनके सामने बैठकर कुछ सवाल करेंगे तो वो आपके सारे सवालों का आंसर करेंगी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि घर में आपको कौन बहुत अच्छा लगता है? घर में लगती है पहले इस पे मैं टोपी लगा हुआ। नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है, कहते हैं कि अपनी एक अलग ही दुनिया होती है बच्चों की, जो जिसके इर्द गिर्द वो घूम रहे होते हैं, ठीक है ना, फिर आसपास से आप कुछ भी बोलो कुछ भी कहो वो सब निकल रहा होता है। और कोई खास चीज ऐसी विभूति में जो स्पेशली आपने बचपन में नोटिस की हो और बाकी बच्चों से स्पेशल उसे बनाती? विभूति बोल नहीं पाती थी तभी से इसकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, RSS प्रेयर इतना सुंदर गाती है, एकदम उसी रिदम पे गाए जैसे RSS का प्रेयर होता है, पूरा शुरू करेगी लास्ट नेशनल एंथम में ही पूरा उसी रिदम पे गाएगी कि मेरे वतन के लोगों है, ये भी उसी में सिंगिंग की बहुत अच्छी है। विभूति आपको वो आता है मेरे वतन के लोगों? अभी बुआ जी बता रही है, बैठ के आता है? नहीं आता है। तो आपको आता क्या है फिर आप ही बताइए। आरती कौन से बिहारी आती? अच्छा, अभी आरती सुनाने का आपका मूड है, चलिए आरती सुनाइए। आरती कौन से बिहारी की, सिद्धिया कृष्ण बोलाई की। किसके साथ पूजा करती हैं? दादी के? हाँ, दादी। दादी के साथ बैठ के पूजा आप करती हैं, तो आपको श्लोक भी आते होंगे फिर तो? शिव तांडव। अच्छा, शिव तांडव आता है आपको। हाँ। शिव तांडव सुनाइए। आपका मूड किस चीज का? अच्छा, आप पहले बताइए आपके मूड के हिसाब से हम आज चलते हैं। माँ मुझको बंदूक दिला दो, मैं भी इसी वापस आऊंगा, मैं भी करूंगा देश की सेवा, अपना पास निभाऊंगा। अच्छा, चलिए एक बात बताइए, आपको ऊंची चोटियाँ आती है ना? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पर्वत की? सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? आप बताएंगी?
बर्नेस्ट एवरेस्ट टू गार्डन ऑस्टिन. अच्छा और कंचन संगा. चौथा लाउट से. पांचवा माँ कालू. छठा सो ओयू. अच्छा ये थोड़ा गिरे. अच्छा धोला गिरी. आठवा मन चालू नंगा बावट अन्नपूर्णा. अन्नपूर्णा करके दिखा दो. आपको इतनी सारी पर्वत श्रेणियों के नाम याद है. धोला गिरी करके दिखा दो. डुक्की लगाए बाबा डुक्की लगाए ये डंडे में डुक्की लगाए. अच्छा दया की बारिश सुना. अपनी एक अलग दुनिया है. दया की बारिश 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 दया की बारिश बारिश दया की बारिश की मीठी बूंदें दया की बारिश बारिश है मुझ पर. अरे वाह बहुत अच्छा. तुम्हें इतना अच्छा डांस और इतना अच्छा सिंगिंग भी आता है विभूति. हाँ. तुम्हें बहुत सारी चीजें आती हैं. मतलब सारी चीजें आती हैं. आप तुम्हें कुछ और सीखनी. बहुत टेस्ट आती है. बहुत बिल्कुल आती हाँ, है. बिल्कुल आती है और बहुत सारी चीजें आती हैं. अभी और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है तुम्हें. अच्छा आपके लिए पूछूंगी अंजलि बुआ की ड्रेस कहाँ की है. अंजलि बुआ की ड्रेस कहाँ की है. कौन सी कंट्री की है. कहाँ की है. अच्छा इसके पीछे क्या लॉजिक है. किसी की भी ड्रेस देखती है तो बोलती है ये ड्रेस यहाँ की है. अच्छा आपकी ड्रेस को बोली है पाकिस्तान की ड्रेस है. और आपने कहाँ की ड्रेस पहनी है. अफगानिस्तान. अफगानिस्तान की है. चाइना. ये क्या लॉजिक है. मतलब ड्रेसेस के पीछे क्या लॉजिक लगता है विभूति का. इसकी कलर नॉलेज बहुत अच्छी है. आप कलर के बारे में कोई भी कलर इसको दिखाएंगे. अच्छा वो ब्लैक कलर मतलब कहाँ से जोड़ा. पाकिस्तान से जोड़ दिया उसने ब्लैक कलर को. ये तो इसका माइंड है. सब किस सेंचुरी का बता दे. अदरवाइज इसको कलर की बहुत ही अच्छी नॉलेज है. कोई भी कलर इसके सामने रखेंगी कि ये कहाँ का कलर है ये तुरंत बताएगी. ये यहाँ का मतलब ये वाला ये कलर है. और ड्रेस के बारे में कहीं भी किसी की ड्रेस देख लेंगे तो यहाँ की ड्रेस होगी. मुझे लगता है कि जैसे नॉर्मली फैमिलीज में बच्चों को पालने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है. वो अपनी दुनिया में मस्त रहती है. उसकी मुझे जहाँ तक लगता है उसकी एक अपनी अलग दुनिया है. तो बहुत सारी कोशिशें नहीं करनी पड़ती होंगी. गाना गाती रहती है सुंदर कांड पढ़ती रहती है सब करती रहती है. ज्यादा टाइम उसका मैप देखने में बीतता है. अच्छा जाके खड़ी हो जाएगी सामने अपना फटफट खुद ही करेगी सब कुछ रिविजन खुद ही करेगी. सारी बुक्स पलटेगी. अच्छा दिन में क्या स्टडी का क्या हिसाब है. कैसे कितना रोजाना स्टडी करती है अपनी किताबों की या फिर मूड के हिसाब से या हफ्ते के हिसाब से. नहीं हम लोग कोई प्रेशराइज नहीं करते कि बेटा पढ़ो. हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते. ऐसा जब मन होता ही खुद ही जाएगी अपना बैग उठाएगी निकालेगी पढ़ेगी. फिर वैसे ही जो चीजें जहाँ से उठाती है ये वहीं पर रखती है निकालेगी शांति से. बोले हम लोग टीवी क्यों ना देख रहे वही सामने बैठ के पढ़ेगी. बट इससे किसी और से कोई मतलब नहीं. वो अभी भी दिखाई दे रहा है हम लोग बात कर रहे हैं और उसे वो अपनी पूरी दुनिया में है. ये आप क्या कर रहे हैं. ये फिंगर्स पे क्या कर रहे हैं आप. ये कौन सी फिंगर है बता दो. ये कौन सी है. ये है प्रावो प्रावो. ये फिंगर्स बता दो कौन कौन. ये कौन सी है. ये अनुष्ठा. ये दर्शनी. ये मध्यमा. ये अनामिका. ये कनिष्ठा. अरे वाह ये सारी कहाँ से. कनिष्ठा तो ये हो गया है. अच्छा इसको इन सब चीजों में भी नॉलेज है. अच्छा अनामिका जी सब कोई नहीं है. अच्छा एक अजीब ही चीज एक अजीब ही चौंकाने वाली जो शख्सियत कह सकते हैं हम विभूति को इतनी सारी चीजें इतनी छोटी उम्र में देखने को कहाँ मिलती हैं. आप खुद ही सोचिए आपके आसपास बहुत सारे बच्चे होंगे और आप उन्हें अक्सर खेलते देखते होंगे. इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे वही करते हैं जो खेल कूद की चीजें होती हैं. हंसना बोलना होता है शैतानियां होती हैं. लेकिन विभूति के शौक जरा निराले हैं. उनको खेल कूद की जगह किताबों का शौक है. अच्छा आपने आपने देश के अपने कंट्रीज के हिसाब से अपनी ड्रेसेस बांटी हुई है. हाँ. क्यों ऐसे क्यों बांटी हुई है आपने ड्रेसेस. कलर के हिसाब से पिंक कलर की चाइना की ड्रेस है. पिंक कलर की नेपाल की. अच्छा पिंक कलर की नेपाल की ड्रेस है. ब्लैक कलर की पाकिस्तान की हो गई है. व्हाइट कलर की चाइना की हो गई है.
और कौन कौन सी कलर बचते? ग्रीन कलर की कौन सी कंट्री की ड्रेस होती है? ग्रीन कलर की है अफगानिस्तान। एक अलग ही लॉजिक, एक अलग ही तर्क उनके पास हर चीज का है। मतलब किताबों के साथ साथ ये लॉजिक भी बड़ा अजीब मुझे लगा कि कोई बच्चा जो ड्रेस सिलेक्ट करता है वो कंट्रीज के हिसाब से सिलेक्ट करता है। तो विभूति आप एक बात बताइए, आपको ये किताब पढ़नी होती है जब, या बाकी के जो आपकी किताब है वो आप पढ़ती हैं घर में, तो आपने उसके लिए कोई टाइम डिसाइड किया हुआ है? टाइम डिसाइड नहीं किए। तो फिर आप कैसे पढ़ाई करती हैं? आप कैसे पढ़ाई, आप बस से पढ़ाई करते हैं? आप कैसे पढ़ाई करती हैं आप बताइए? आप बस से करती हैं पढ़ाई, बहुत टेस्ट बहुत करती है। कैसे करती हैं? मतलब आपने कोई टाइम निकाला हुआ है उसके लिए, या फिर आपका जब मन करता है आप तभी पढ़ाई करती हो? ABCD पढ़ती है वो। मुझे एक चीज विभूति को देख के लगती है कि विभूति बाकी चीजों में बच्ची ही है, लेकिन पढ़ाई के मामले में वो सिर्फ बड़ी हो गई है। बात अगर पढ़ाई की हम करें तो वो सिर्फ पढ़ाई और किताबों के साथ बड़ी है, लेकिन अच्छा आपको बड़े होके क्या बनना है आपने नहीं बताया अभी। तब पहनेंगे सबसे सुंदर पहनेंगे। बड़े होके आपको सबसे सुंदर बनना है? हाँ। तो आप इतनी सारी पढ़ाई क्यों करती हो? इतनी सारी वो टेस्ट बताती हो ना, आगे बाली ताली गाई। क्या क्या दोबारा बोलो। आप भी मुझे गाय बताओगी? हाँ। आप भी मुझे गाय ना बताओगी, ये बड़ी होगी क्या बनेगी? अच्छा मैं बताऊंगी कि ये बड़ी होगी क्या बनेगी? आप तो मेरे सवालों में से सवाल ढूंढ रही हो। आप फाइनल करके आप बना दिया। अच्छा मैं बना दूँ फाइनल करके? अच्छा तो फाइनल मुझे करना पड़ेगा कि आप बड़ी होगी क्या बनेगी? पाइना बनाएगी तो समोसा बनाएगी। अपनी ही दुनिया है उनकी, अपने ही लॉजिक है उनके, लेकिन सबसे प्यारी चीज ये है कि इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान उन्हें है, इसी के साथ उनकी मासूमियत भी बरकरार है। एक अलग ही दुनिया में वो रहती हैं, अलग ही चीजें उनकी हैं, अपने ही उनके सवाल हैं और अपने ही उनके जवाब हैं। तो इस कार्यक्रम में हमने आपको आज मिलवाया विभूति से, विभूति जो कि बहुत प्यारी है, जो कि ज्ञान के मामले अगर हम बात करें तो कंप्यूटर्स को फेल कर देने वाली हैं। तमाम सवालात के जवाब उनके पास होंगे, चाहे विषय कोई भी हो। इसके अलावा हम विभूति से और भी आगे बात जारी रखेंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। माँ मुझको बंदूक दिला दो, मैं भी इसी वापस आऊंगा, मैं भी करूंगा देश की सेवा।